साथियों नमस्कार। आप लोग यूपीएससी के वाइस प्रिंसिपल के एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे और तैयारी भी कर रहे होंगे, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस से मुझे बताया गया कि भाई थोड़ा सा बच्चों को, और जो बच्चे तो क्या है, मतलब बच्चे इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग जो हैं तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा शेयर करूँ चीज़ें। आपने देखा होगा सिलेबस में लिखा हुआ है मापन तथा मूल्यांकन, तो आज मैं थोड़ा सा हल्की सी इंट्रोडक्टरी बात करूंगा, बाकी डिटेल में हम इसको और भी आपको बताएंगे बाद में, बीच बीच में बताते रहेंगे स्टेट फॉरवर्ड क्लासेस की तरफ से। तो आप इसे एक तरफ ध्यान से देखें, तो सबसे पहले जो मैं बात करना चाहता हूं वो कहे कि मापन क्या है, यानी मेजरमेंट क्या है। तो थॉर्नडाइक के अनुसार जो है, अगर आपने देखा होगा जो कुछ भी मौजूद है वो किसी न किसी मात्रा में मौजूद है ना, और जो कुछ भी मात्रा में मौजूद है वह मापने योग्य है ही। तो इसलिए हम किसी भी तरह की क्षमता को माप सकते हैं, और इसलिए प्रत्येक शिक्षक को छात्र की क्षमताओं के मूल्यांकन पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो मापन के कुछ नियम के अनुसार घटनाओं, वस्तुओं आदि को अंक प्रदान करने की एक प्रक्रिया भी है। यह किसी वस्तु की कुछ विशेषताओं या चर से संबंधित भी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप घर में कई बार बोल देते हैं बेटा एक गिलास पानी लाना, तो एक गिलास पानी लाना का मतलब क्या है? देखिए इसमें क्या है, कुछ अगर चीज़ है, पानी है और वो गिलास है तो मौजूद है ना किसी क्वांटिटी में, और आपने क्या कहा एक गिलास लाना है, तो यानी आपने नाप लिया कि एक गिलास पानी। अब जिसको आपने कहा होगा एक गिलास पानी लाना, तो उसको आधा लाता है कि भर के लाता है? तो नेचुरली भर के लाता है। और अगर वो बाई चांस आधा ले आया जल्दी में, तो आप क्या कहते हो बेटा आधा गिलास लाए, यानी एक गिलास मांगा था। तो क्या हो रहा है ये कि मेजरमेंट है ये, यानी आप इसको मापन के तौर पे आप इसको ले रहे हो। तो ये मापन में एक तो क्या है, उसमें कुछ विशेषताएं होंगी, यानी जैसे आपने कहा सज्जन पुरुष, आप सज्जनता कितनी है कैसे नापोगे भाई, तो ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसी तरह से आप कहते हैं बहुत अच्छे, तो ये इसको कैसे करेंगे, या आप कहते हैं ये तो बहुत इसका रुचि इसमें है, तो वो रुचि कैसे मेजर कर सकते हो, तो दैट इज अलग चीज़, हम बाद में अभी बात करेंगे इसमें। तो यानी कुछ उसमें चर भी हो सकता है, यानी कुछ ना कुछ अंक जरूर आएंगे, न्यूमरल्स जरूर आएंगे, जिसकी वजह से उसको, जैसे आपने एक गिलास, तो वो एक क्या है, तो चर था उसमें, तो ये जरूर है। मापन के दो रूप हैं, उन दो रूप में है कैसे, पहला है भौतिक विज्ञान में मापन और व्यवहार विज्ञान में मापन। भौतिक विज्ञान में मापन, जैसे मैंने भी बताया एक गिलास पानी, तो ये कौन सा है, भौतिक विज्ञान का मापन है। और दूसरा मैंने कहा कि सज्जन व्यक्ति, सुशील, बहुत एक्टिव या बहुत ही अच्छा विद्यार्थी, इंटेलिजेंट बच्चा, तो ये कौन सा है, व्यवहार विज्ञान में मापन में आएगा ये चीज। अब इसके अंदर मापन के दौरान हम दो कार्य करते हैं और इसके दो क्षेत्र भी हैं। एक व्यक्ति क्या कर सकता है, पहला क्षेत्र है, और दूसरा है कि वो व्यक्ति क्या कर सकता है, यानी वो क्या करते हैं आगे। तो कहने का मतलब क्या है, जो कैसे एक व्यक्ति कर सकता है वो उपलब्धि हो सकती है, उपलब्धि परीक्षण, यानी जो डिफिकल्टी है, और दूसरा है उसका डायग्नोसिस, या वो क्या नहीं कर सकता, जिसका रोग निदान कह सकते हैं उसको, या उसकी कमजोरी का निदान। व्यक्ति जब नहीं कर सकता है तो नैदानिक परीक्षण है वो, निदान। और एक व्यक्ति क्या करेगा वो क्या है, उसकी योग्यता का है, तो योग्यता परीक्षण, भविष्यवाणी कर सकते हो आपकी बच्चा तो ये बन सकता है, इसके अंदर ये क्वालिटी, टीचर बन सकता है। इसी तरह से कह सकते हो कि वह उसका व्यक्तित्व तो क्या है वो कर सकता है। तो मूल्यांकन किसी मानक के संबंध में, मूल्यांकन इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक या वैज्ञानिक के संदर्भ में किसी वस्तु या घटना के मूल्यांकन की प्रक्रिया शामिल है, तो ये चीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड है। और मापन या मूल्यांकन की सटीकता उन चीज़ों पर निर्भर करती है जिन्हें मापा जाना है, यानी कितनी एक्यूरेट होगी सटीकता उसका जो है, एक्यूरेसी, और बिल्कुल सही सही माप जिसको आप कहते हो, वो किस पर निर्भर करेगा कि क्या चीज़ हम नाप रहे हैं। अगर भौतिक मात्रा को मापना है तो वो आसान भी है और वो बहुत
शुद्ध भी आप नाप सकते हो, उच्च सटीकता माने विशुद्ध भी आप नाप सकते हो उसको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। लेकिन जब भी विशेषताओं की बात करेगी कि अच्छे व्यक्ति, यार कितने अच्छे व्यक्ति, 4 किलो नाप नहीं सकते आप, तो उसके लिए क्या है, कुछ और दूसरा टेस्ट लेना पड़ेगा, ये वाला किलो वाला टूल नहीं चलेगा। तो उन विशेषताओं का मापन, जैसे उदाहरण के लिए बच्चे की रुचि है, वो बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमें मापन के एकदम सही और सटीक उपकरणों की यानी टूल्स की आवश्यकता होती है, ताकि मापन सटीकता और विश्वसनीयता के साथ किया जा सके। मापन के उपकरण के इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि कैसे और क्या नापा जाना है, यानी हमें क्या मेज़र करना है और कैसे मेज़र करना है, उसका जो उपकरण है, जो टूल है, वो आप उन बातों पर भी डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या नापें, उपलब्धि नापें, उसकी बुद्धि का देखें, या उसकी योग्यता देखें, या उसकी रुचि देखें, या उसका चरित्र या व्यक्तित्व तो कैसा है। अगर हमें मेजर करना है तो हमें एक ही उपकरण से नहीं होगा, एक ही टूल से नहीं होगा, बल्कि अलग अलग नापेंगे। जैसे कैसे नापें, उपलब्धि का है तो उसका उपलब्धि के लिए उपलब्धि परीक्षण है, उसकी बुद्धिमत्ता को मेजर करना है, मापन करना है, नापना है तो बुद्धिमान परीक्षण आएगा। अगर उसकी योग्यता को नापना है तो योग्यता परीक्षण आएगा। अगर उसकी रुचि नापनी है यानी उसके इंटरेस्ट क्या हैं, तो इंटरेस्ट लिस्ट बोलते हैं जिसको, कि रुचि सूची होगी उसको करना है। चरित्र और व्यक्तित्व तो परीक्षण जैसे इन्वेंट्री होती है, उनके बेसिस पे हम इसको कर सकते हैं। अब जो अच्छे परीक्षण के जो लक्षण हैं वो क्या हैं, कौन, जब आप किसी टेस्ट को बनाएंगे, परीक्षण को बनाएंगे, तो उसमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला है वैधता यानी वैलिडिटी। तो वैधता का मतलब क्या है, कि जो जिस चीज़ को नापने के लिए आप इसको बना रहे हो, क्या वो उस चीज़ को नाप भी रहा है कि नहीं नाप रहा है। सपोज़ आप नापना चाहते हो पानी का, 1 किलो पानी, और आपने ले लिया लीटर, तो लीटर से अगर आप नाप रहे हो तो क्या वो किलो पानी नापेगा या लीटर या वॉल्यूम नापेगा, आयतन नापेगा। तो यानी इस समय इसकी वैधता नहीं है। अगर केजी में अगर आप नाप रहे हो, जैसे आपकी ऑयल का जो रिफाइंड ऑयल है या मस्टर्ड ऑयल है वो बोतल में आता है, तो कहीं तो उन्होंने लिखा होता है लीटर में और कहीं वो लिखा होता है केजी में। तो जब आप केजी की बात करेंगे तो लीटर से उसको मेजर करना डिफिकल्ट है, वो नहीं देगा सही सटीक आंसर्स। तो इसलिए जो है वैधता क्या है, कि वास्तव में यह वही नापता है जिसे इसे नापने के लिए बनाना है या जो इसको नापना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो वो वैध हो जाएगा, उसकी वैधता सही है। दूसरा है विश्वसनीयता, यानी जो भी टूल आप बनाए अगर वो सटीक और लगातार नापता है तो उसकी विश्वसनीयता बनेगी। हर एक को दिमाग में आएगा, हाँ यार ये टेस्ट बिल्कुल सही है, ये खरा उतरता है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता है। दूसरा है उसकी वस्तुनिष्ठता, यानी जब भी कोई टूल हम बनाएं तो वो एक तो अनबायस्ड हो, अनबायस्ड माने निष्पक्ष हो, शिक्षक के व्यक्तित्व के प्रभाव से मुक्त हो, और सभी बच्चों के लिए यानी सभी व्यक्तियों के लिए वो समान आर्थिक हो, यानी सभी उसके अगर जो भी उसमें आइटम्स रखी हैं उन आइटम्स को जब कोई पढ़े तो सबको उनका सब सेम यानी समान ही अर्थ सबको नजर आए, ऐसा वो होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई कुछ और अर्थ निकाल ले, कोई कुछ और अर्थ निकाल जाए किसी के लिए। इसी तरह से भेदभाव, यहाँ पर भेदभाव दूसरे तरह से लीजिएगा, भेदभाव का मतलब विभेदी होना चाहिए वो, यानी जो टेस्ट आपने बनाया वो विभेदी भी है कि नहीं। कैसे विभेदी, कि जैसे मान लीजिए आपने टेस्ट बनाया और आपने टेस्ट बनाया कि यार कुछ लोगों को छांटने के लिए, जैसे हम आप ही का जैसे टेस्ट आएगा UPSC में रिटन टेस्ट, तो वो टेस्ट अगर विभेदी नहीं होगा तो आप सबकी सिलेक्शन में से आ सकता किसी का, फिर तो सबका एक जैसा जाएगा, स्कोर आ जाएगा, तो फिर सिलेक्शन कैसे होगी। अगर आपके 300 पोस्ट हैं और उसमें 3000 भरते हैं तो फिर तो विभेदी अगर नहीं हुआ तो फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएगा वो, तो फिर छांटेंगे कैसे, सिलेक्शन कैसे होगी, नहीं हो सकती। तो ऐसा टेस्ट होना चाहिए जिसमें कि हाई अचीवर्स लो अचीवर्स का भी वो बीच का अंतर स्पष्ट कर सके, यानी उच्च और निम्न प्राप्तकर्ताओं के बीच अंतर कर सके, प्रश्नों को क्रम में आसान से कठिन तक के लिए वो उसमें रखा जाना चाहिए, जिससे कि ये बन सकता है। अगला इसका जो लक्षण है वो है व्यापक होना चाहिए। ये व्यापक का मतलब है कि वो जिसके लिए भी उसको आप परीक्षण के लिए बना रहे हो उसके सभी पहलुओं का वो मूल्यांकन कर सके। और ऐसा करने के लिए हम 1-2-3 सवालों पे नहीं निर्भर कर सकते, बल्कि हमें
प्रश्नों का जो संख्या होगी वो ज़्यादा रखनी पड़ेगी, तो इसके लिए बहुत सारे कई प्रश्नों को तैयार करने की आवश्यकता होती है उसको व्यापक बनाने के लिए। और सबसे आखिरी है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है प्रयोज्यता यानी यूजेबिलिटी, कि वो प्रायोगिक है भी कि नहीं है। प्रायोगिक क्यों है कि आसानी से उसको प्रशासित किया जा सके, यानी उसको कंडक्ट कर सकें आप, साथ ही साथ उसमें प्रशासित करने में आसान हो, या ये कह सकते हैं कि जब हम उनको मूल्यांकन करें तो मूल्यांकन करने में कोई समस्या ना आए, कोई परेशानी नहीं आए, कोई डिफिकल्टी नहीं आए, कोई कठिनाई नहीं आए, तो यानी बिना किसी कठिनाई के मूल्यांकन किया जा सकता हो जिसका, ऐसा जो परीक्षण है वो आपका सही परीक्षण माना जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया सीखने के अनुभव की व्यावहारिकता और शिक्षार्थी के व्यवहार में बदलाव का पता लगाती है। जो मूल्यांकन है हमारा, जो एवेल्यूशन है, वो क्या करता है, सीखने के अनुभव की व्यवहारिकता कि बच्चा कैसे सीख रहा है और उस शिक्षार्थी के व्यवहार में बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसका पता लगाती है। यह मात्रात्मक भी है और गुणात्मक प्रक्रिया के साथ होता है, यानी उसमें कितना क्वांटिटी, कितना सीख पाया, नंबर वन। दूसरा, किस गुणात्मक यानी कितना लेवल तक पढ़ा पाया, कितने अच्छे तरह से पढ़ पाया, वो गुणात्मक भी आएगा उसके अंदर। और मूल्यांकन का जो महत्व है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? कि सबसे पहला कि यह शिक्षा या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सफलता को प्राप्यक बनाता है, यानी अटेनेबल बनाता है। जो भी आपको टीचिंग लर्निंग में जो आपने एम रखे होंगे उन एम को अटेनेबल बनाता है, यानी ताकि उनको प्राप्त कर सके, ये आपको पता लगेगा आपके मूल्यांकन से। बच्चे को आपने कहा कि यार चलो देखते हैं ये बेसिक रीडिंग राइटिंग स्किल है कि नहीं इसके अंदर, या इसके अंदर जो है ये बोल भी पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है, या इसके अंदर ये लिखने की क्षमता है कि नहीं लिख सकेंगे, या किसी तो जैसे कविता करना है यानी उसके अंदर क्रिएटिविटी है कि नहीं है। तो ये अगर टेस्ट आपने ऐसा बनाया है जिसके अंदर क्रिएटिविटी का आइटम नहीं आया होगा तो वो पता लग जाएगा कि ये आइटम हमारा ऐसा नहीं कर पा रहा है। तो ये ऐसा चीज़ें हम अगर मूल्यांकन के अंदर रखा है तो उसके हिसाब से क्या होगा, वो इस योग्य बनाएगा आपको। साथ में क्या है कि शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकृत करने में भी मदद करता है। तो वर्गीकरण कैसे करेगा कि मैंने ऐसे बताया जैसे अभी राइटिंग स्किल किसी में हो, किसी में नरेशन की स्किल होती है, किसी में जो है सिंगिंग का होता है, तो ये इस तरह के उद्देश्य जो हैं उनको पूरा कर सकता है अगर आपके आइटम इस तरह से रखेंगे जिसकी वजह से कि आप अपने उद्देश्यों को इस वर्गीकरण के अकॉर्डिंगली रख पाएंगे। अगला जो इसमें है वो है बेहतर सीखने के लिए प्रेरित करता है, यानी आपको जो बच्चे को यानी जो लर्नर है उसको ये मोटिवेट भी करता है कि वो कुछ अच्छा सीखने के लिए। अगर मैंने उसमें दिखा इस बार उसकी इस परफॉर्मेंस कम आई इवैल्यूएशन में, मूल्यांकन जब लग गया तो पता लगा इसका जो है बिलो एवरेज आ रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा, ज़्यादा सीखने की उसको प्रेरणा मिलेगी और इसलिए जो आपका इवैल्यूएशन है यानी मापन है, मूल्यांकन है, वो बेहतर सीखने के लिए प्रेरित भी करता है। इसी तरह से शैक्षिक सुधार और करियर या व्यावसायिक विकल्पों के लिए छात्रों का मार्गदर्शन करने में भी मदद करता है, यानी जब हम मूल्यांकन करते हैं हो सकता है हम उसका पर्सनालिटी टेस्ट ले रहे हैं, व्यक्तित्व परीक्षण ले हमने, और व्यक्तित्व परीक्षण में हमें पता लगा कि ये बच्चा जो है ये तो सिंगिंग के लिए बहुत सुटेबल है, तो अब हमें इसके अंदर क्या उसके कैरियर विकल्प में व्यावसायिक विकल्पों के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं कि बेटा आप म्यूजिक में फोकस करो, आपका ये चीज़ ये डोमेन जो है बहुत स्ट्रांग है तो आप यहाँ कर, तो क्या कर रहा है, तो शैक्षिक सुधार तो हम कर ही सकते हैं, साथ में क्या उसके कैरियर या व्यावसायिक विकल्पों के लिए भी हम उन छात्रों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात वो ये है कि पाठ्यक्रम के अंदर क्या परिवर्तन, वांछित परिवर्तन है, वांछित का मतलब डिजायरल, तो उसके लिए हम ये जो मूल्यांकन है वो उसमें भी हमें सहायता देता है। मान लीजिए जैसे अभी आपने देखिए 1986 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी और आज की 2020 की आप एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखें तो उसमें भी क्या है, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं कि जो वहाँ पर नहीं था अब यहाँ पर जो है मूल्यांकन करते करते लोगों का जब किया होगा तो वहाँ पर कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। तो इसलिए पाठ्यक्रम में क्या डिज़ायर्ड चेंजेस चाहिए उसको लाने में भी ये सहायक होता है। तो एक बार मैं पुनः
आप सभी का धन्यवाद भी करता हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस का भी धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आपसे इंटरेक्ट करने का मौका दिया। और आप साथियों इस तरह से बहुत मेहनत करें और इस तरह से चर्चा करें, और हम आप इसको आगे आपके साथ आगे डिटेल में भी चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।